तो हम सभी देखते हैं कि गोकू ने गारासु को खत्म कर दिया होता है, जिसके बाद गोकू अचानक से ब्रोली गोहान साथ ही में राइजो के ऊपर अपना एक हमला कर देता है, लेकिन राइजो उस वार को रोक लेता है, जो देखकर गोकू कहता है, सैयन राइजो, तुम ताकतवर हो, क्यों है ना? तो क्या तुम मेरे इस ताकत का सामना करना चाहोगे? गोकू को ये सभी बोलता देख गोहान हैरानी के साथ कहता है, डैड, आखिर आप भला ये क्या कह रहे हो? और आखिर आपने हमारे ऊपर हमला क्यों किया? जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं कहता। और तभी राइजो गोकू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर गोहान कहता है, हे राइजो, क्या तुम डैड से लड़ने के बारे में सोच रहे हो? जिसके ऊपर राइजो कुछ भी नहीं कहता। और तभी ब्रोली कहता है, मैं तुमसे ये बात कह चुका हूं गोहान, कि गोकू अपनी इस ताकत में अपना कंट्रोल खो सकता था, और देखो वही हुआ है। गोकू को अब लड़ाई चाहिए, क्योंकि वो देखना चाहता है कि उसकी ये ताकत कितनी शक्तिशाली है। हमारी भलाई इसी में होगी कि हम पीछे हट जाए। जो सुनकर गोहान थोड़ा सा चौंक जाता है और वो कहता है, ये तुम भला क्या कह रहे हो ब्रोली? मैं पीछे नहीं हटूंगा। डैड, आपको ये सब रोकना होगा। लेकिन गोकू गोहान की बातों को नहीं सुनता और गोकू भी राइजो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और तभी राइजो कहता है, मेरी बात को सुनो, मैं नहीं जानता कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी बातों से तुम गोकू के बेटे लगते हो। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि फिलहाल के लिए तुम पीछे हट जाओ। जो देखकर गोहान ब्रोली के साथ पीछे हट जाता है। और तभी राइजो गोकू से कहता है, हे गोकू, होश में आने की कोशिश करो, आखिर तुम भला ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि आने वाले समय के अंदर क्या कुछ होने वाला है? जो सुनकर गोकू कहता है, चलो बे राइजो, मुझे बातें नहीं करनी, मुझे तुम्हारे साथ लड़ना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि सैयन राइजो के खिलाफ मेरी ये ताकत क्या कर सकती है। तो आ जाओ। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए राइजो के ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन राइजो गोकू के वार को अवॉइड करते हुए गोकू के सामने पहुंच जाता है। और तभी गोकू अपने एक जोरो का हिट करता है राइजो के ऊपर, जिसे राइजो ब्लॉक करते हुए काफी पीछे हट जाता है। और तभी राइजो भी गोकू के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है। गोकू पलट कर राइजो के ऊपर अपना एक पंच करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। उस धमाके के कारण राइजो काफी पीछे हट जाता है, लेकिन गोकू वहीं पर खड़ा होता है। और तभी गोकू बड़ी तेजी से राइजो के ऊपर अपने एक के बाद एक कई सारे वार करता है, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि राइजो धमाकों के बीच में से बाहर निकल कर आता है। लेकिन तभी गोकू राइजो के ऊपर अपनी एक जोरो की किक कर देता है, जिसे राइजो रोक तो लेता है, पर उसके बावजूद भी राइजो काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी गोकू कहता है, चलो बे राइजो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतिहास में तुम एक ताकतवर सैयन में गिने जाते हो, लेकिन क्या तुम मेरी इस ताकत का सामना नहीं कर पा रहे?
जो सुनकर राइजो खड़ा होता है और वो कहता है, गोकू इस समय पर तुम होश में नहीं हो, तुम्हें मालूम भी नहीं है कि आखिर तुम बेफिजूल की लड़ाई करके अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हारे ऊपर पलट कर वार नहीं करना चाहता, समझे? लेकिन तभी गोकू पलक झपकते ही दोबारा राइजो के सामने आ जाता है और गोकू राइजो के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसे राइजो ब्लॉक करते हुए कुछ कदम पीछे हटता है। पर तभी गोकू अपने उसी हाथ से राइजो के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट कर देता है, जिससे राइजो काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन राइजो तुरंत दोबारा खड़ा भी हो जाता है और तभी गोकू कहता है, तुम ये इधर उधर की बकवास करके मेरा मूड ऑफ कर रहे हो, फिलहाल के लिए मुझे एक काफी बढ़िया लड़ाई चाहिए, जिसकी उम्मीद मैं तुमसे कर रहा हूं राइजो, क्योंकि मेरी ये नई ताकत ये मेरे ही समझ से बाहर है। अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो तो शायद मैं अपनी ताकत को और भी अच्छी तरीके से जान पाऊंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मजबूरन राइजो मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है और तभी वो राइजो के ऊपर अपना एक बहुत ही बड़ा हमला करता है, जिस कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इसको देखते हुए गोहान कहता है, ब्रोली कुछ करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो डैड शायद उस सैयन को खत्म कर दे। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, चिंता मत करो गोहान, वो सैयन कोई मामूली सैयन नहीं है, उसका नाम राइजो है, वो अकुमो का पहला साथी है, उसके पास भी काफी ताकत है। और तभी जैसे ही वहां से धुआं हटता है, राइजो वहां पर सही सलामत खड़ा होता है और तभी राइजो कहता है, वाकई में अगर तुम्हें ये लड़ाई सच में आगे बढ़ानी है और तुम अपनी ताकत को जानना चाहते हो तो आ जाओ गोकू, मैं तुम्हें वो लड़ाई देने के लिए तैयार हूं। राइजो की इस बात को सुनकर ब्रोली चौंक जाता है और गोकू हंसते हुए राइजो के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसे राइजो ब्लॉक करते हुए गोकू के ऊपर अपना एक पंच कर देता है, जिससे गोकू कुछ कदम पीछे हटता है। लेकिन पलक झपकते ही राइजो गोकू के पीछे पहुंच जाता है और वो गोकू के ऊपर एक जोरो की किक करता है, जिसे गोकू समझ नहीं पाता और गोकू काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन तुरंत गोकू दोबारा खड़ा होता है और गोकू कहता है, क्या बात है राइजो, ये हुई ना सैयन वाली बात, तो चलो हो जाए। ये कहने के बाद गोकू बड़ी तेजी से राइजो की तरफ बढ़ता है और राइजो भी गोकू के ऊपर अपना एक जोरो का हमला करता है। वो दोनों ही एक दूसरे के हमले को रोक नहीं पाते, गोकू और राइजो दोनों ही काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। वो दोनों दोबारा तुरंत खड़े होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। और तभी गोकू अपने की ब्लास्ट से हमला करता है राइजो के ऊपर, जिसे राइजो अवॉइड करते हुए गोकू के ऊपर अपना एक वार करता है, जिससे वहां पर दो काफी बड़े धमाके होते हैं और गोकू और राइजो दोनों ही बड़ी तेजी से धुएं को चीरते हुए बाहर आते हैं। गोकू अपने एक जोरो का पंच करता है राइजो के ऊपर और राइजो अपने काफी जोरो की किक करता है गोकू के ऊपर, जिससे राइजो और गोकू दोनों ही नहीं बच पाते और वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। जिसके ऊपर तभी
गोकू दोबारा खड़ा होता है। वो मौका देखते हुए राइजो के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट से हमला करता है, जिसे राइजो रोक लेता है। लेकिन तभी गोकू राइजो के सामने पहुंचते हुए उसके ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, लेकिन राइजो गोकू के हाथ को इस बार पकड़ लेता है और राइजो कहता है, ये सब मुझे हराने के ना ही काबिल होगा, ना ही तुम्हारी ताकत को जानने के लिए, समझे गोकू। राइजो पलटकर एक काफी जोरों का पंच करता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू काफी पीछे अट जाता है। और तभी गोकू कहता है, तो क्या तुम मेरे ऊपर अपना सबसे ताकतवर हमला करने के लिए तैयार हो, राइजो? जिसके ऊपर राइजो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसका उल्टा होगा। तुम अपनी ताकत को बढ़ाओ गोकू, मैं यहीं पर खड़ा हूं, अपना सबसे ताकतवर हमला मेरे ऊपर करो और मैं यहां से नहीं हिलूंगा। ऐसे तुम्हें भी मालूम चल जाएगा कि आखिर तुम्हारी ताकत क्या है, समझे? जो सुनकर गोकू काफी जोरों से हंसते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है, जो सुनकर ब्रोली कहता है, नहीं राइजो, ये एक तरह की बेवकूफी होगी। माना कि तुम ताकतवर हो, लेकिन गोकू, जिसके ऊपर राइजो कुछ भी नहीं कहता और वो बस शांत वहीं पर खड़ा होता है। और तभी गोकू अपना काफी ताकतवर कामेहामेहा अटैक कर देता है राइजो के ऊपर, और गोकू कहता है, ऐसे संभालो सैयन राइजो। और तभी गोकू के कामेहामेहा के कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर ब्रोली और गोहान हैरानी के साथ कहते हैं, उसने एक बहुत बड़ी बेवकूफी करी, आखिर ऐसा क्यों? जिसके ऊपर गोकू कहता है, सैयन राइजो, क्या तुम मारे गए? नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं। और तभी हम देखते हैं कि गोकू के उस हमले के कारण गोकू थोड़ा सा थक जाता है। लेकिन तभी गोकू के पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, समझे? और तभी गोकू को एक साथ उसकी दोनों गर्दन पे दो बड़े ही ताकतवर पंच हिट होते हैं, जिसे हम देखते हैं कि गोकू समझ पाता उससे पहले ही गोकू वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि राइजो भी सही सलामत होता है, लेकिन राइजो के साथ दाइमाक भी वहां पर होता है, जिसके ऊपर राइजो कहता है, मैंने तुम्हारी ताकत को पहले ही महसूस कर लिया था, आखिर तुम भला यहां पर क्या कर रहे थे? जिसके ऊपर तभी दाइमाक कहता है, मुझे भी यहां से एक ताकतवर शक्ति का आभास हो रहा था, और जब ये सब मैंने देखा तो मुझे लगा कि वो सैयन अपना कंट्रोल खो बैठा है, तभी मैंने भी वही किया जो तुमने। आखिर ये सैयन की कैसी ताकत थी, ये मुझे उस लेजेंड की याद दिलाती है, उस सैयन लेजेंड की। जो सुनकर राइजो कहता है, हाँ, शायद तुम एकदम सही कह रहे हो, मैं भी गोकू की इस ताकत को समझ नहीं पाया, लेकिन गोकू की ये ताकत जरूर कहीं ना कहीं उस सैयन लेजेंड की जैसी थी।